हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिवर इंजीनियरिंग, जो कि यूनिट वन का पार्ट वन, जो कि हम लोगों ने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लिया है। आज के इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट सेकेंड का, जो है कि तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि कट ऑफ। ओके, कट ऑफ के बारे में हम जानेंगे कि कट ऑफ क्या होता है। तो सबसे पहले, इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाई विच एन एलुअल रिवर फ्लोइंग अलाउिंग कर ऑफ बेंड एबेंडन पार्टिकुलर बेंड इस्टेब्लिशिंग इट्स मेन फ्लोइंग अलॉन्ग कंपरेटिवली स्ट्रेट एंड शार्टर चैनल। तो क्या कह रहा है, इसका मतलब है कि जैसे कि कोई भी आप देखते होंगे, जो भी रिवर होता है कुछ इस प्रकार से फ्लो करता है। ओके, कुछ इस प्रकार से फ्लो करता है। ओके, तो क्या होता है, ऐसे केस में वाटर जब इस प्रकार से फ्लो करता है, तो जब फ्लूड यानी कि फ्लूड के समय जब बाढ़ आ जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज जो है कि इंक्रीज हो जाता है बाढ़ के समय में, तो ऐसे में क्या होता है, जो वाटर होता है यहाँ पर स्कोरिंग करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आउटर एज है और इनर एज है। ओके, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, स्कोरिंग होता है। ओके, स्कोरिंग होता है, इस कारण से धीरे धीरे स्कोरिंग, अगर इसका जो बैंक है यानी कि जो इस रिवर का बैंक है, ये सैंडी सॉयल है काफ़ी। ओके, तो स्कोरिंग होते होते क्या होगा, ये धीरे धीरे स्कोरिंग होकर क्या होगा, अधिक डिस्चार्ज के कारण ये जो है कि एक सीधा जो है कि स्ट्रेट जो है कि पथ बना लेता है, और इस माध्यम छोटा चैनल होकर शार्टर चैनल होता है, और सीधा जो है कि वाटर फ्लो होने लगता है और आके इस एंड पर मिल जाता है। ओके, यानी कि इस प्रकार से आपने देखा होगा, तो इस रिवर को इस प्रकार से फ्लो होते हुए जब ओवरफ्लो हुआ, तो इस कारण इस प्रकार से जो है कि अपना पथ क्रिएट कर लेता है, तो इसी को बोलते हैं कट ऑफ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोई एक रिवर था पहले, क्योंकि हमने ज़्यादा इसको बेंड नहीं किया है, काफ़ी इतना बेंड करेंगे फिगर को आप। ओके, तो इसको हमने जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ओवरफ्लो है, तो धीरे धीरे ओवरफ्लो हुआ, तो यहाँ से एक जो है कि पाथ क्रिएट कर लिया है, तो इसी को बोलते हैं छोटा चैनल बना लेता है और स्ट्रेट होता है। ओके, लास्ट में आपने डिस्कस किया यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कंपरेटिव स्ट्रेट एंड शार्टर चैनल, तो इसी को बोलते हैं हम कट ऑफ। ओके, तो इसे बोलते हैं कट ऑफ। ओके, तो जैसा कि आप कुछ फिगर को यहाँ तक आपको ऐसे बेंड करना है, तो यही हमने सेकेंड में किया है कुछ इस प्रकार से। ओके, तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम जानेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ कट ऑफ, कट ऑफ का कैसे डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं पॉइंट वाइज, जैसा कि हमने लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है, द मेन चैनल फ्लोइंग विद रिड्यूस डिस्चार्ज कंटिन्यू टू शील्ड वेयर, यानी कि जो मेन चैनल होता है फ्लोइंग विद रिड्यूस डिस्चार्ज, यानी कि डिस्चार्ज को रिड्यूस करके फ्लो होता है। ओके, कंटिन्यूस टू शील्ड वेयर साइड चैनल इंक्रीज इन साइज टू एकोमोडेट मोर एंड मोर ऑफ डिस्चार्ज, और साइड चैनल धीरे धीरे अधिक जो है कि अपने डिस्चार्ज को इंक्रीज कर लेता है, इस प्रकार जो है कि एक सीधा स्ट्रेट अल्टीमेटली फ्लो करने लगता है स्ट्रेट पथ पर, और यही जो है कि कट ऑफ बन जाता है। ओके, डिस्चार्ज एंड अल्टीमेटली फॉर्म इनटू अ कट ऑफ। नेक्स्ट है, द साइड चैनल यूजुअली हैज अ लोअर वेलोसिटी एंड स्मॉलर लेंथ विद अ सेम हेड डिफरेंस एज द चैनल, इट देयरफॉर ज्वाइन द मेन चैनल एट ए लोकल ड्रॉप। ओके, दस लोड ड्रॉप कट ऑफ इन टू द साइड चैनल एंड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ए कट ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, द अनफेवरेबल क्रॉस सेक्शन एंड स्टीप स्लोप, अगर स्लोप क्या है, काफ़ी स्टीप है, अनफेवरेबल जो है कि क्रॉस सेक्शन है ऑफ ए साइड चैनल। ओके, जो साइड चैनल है, मे जनरेट सच अ वेलोसिटी विच मे इरोड द बेड एंड बैंक, यानी कि जो साइड चैनल है कुछ इस प्रकार से, ऐसे साइड चैनल है हल्का सा, तो हो सकता है इसमें जो साइड है, ओके, साइड में कुछ छोटे छोटे, जैसा कि हमने बताया था प्रिय, ब्रेडेड ब्रेडेड पैटर्न था, तो कई सारे उसमें जो कि ब्रांचेस थे, तो ओके, तो इसी में जो साइड चैनल होता है उसका कह रहा है कि अगर स्लोप जो है कि स्टीप हो, ओके, और क्रॉस सेक्शन जो है कि अनफेवरेबल हो, मे बी जनरेटेड, जब स्लोप स्टीप होगा तो वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण से इरोजन करेगा। ओके, इरोड द बैंक, जो बेड होगा, बेड और बैंक को जो इरोड करेगा, और इस प्रकार जो है कि
कट ऑफ क्रिएट कर लेगा. ओके, द चैनल कंटिन्यू टू द प्रिंसिपल कोर्स ऑफ द रिवर. नेक्स्ट है बैंक इरोजन. अगर बैंक जो भी है, जो भी रिवर होता है उसका बैंक होता है कुछ, ओके बैंक यही है, तो बैंक जो होता है उसका जब इरोजन होता है इस कारण से भी बैंक जो है कि कट ऑफ क्रिएट होता है. और दूसरी बात है ड्यूरेशन ऑफ फ्लड, यानी कि जो बाढ़ है बाढ़ के लिए कितना टाइम तक जो है कि इसका टाइम है, टाइम ड्यूरेशन कितना है. द ड्यूरेशन ऑफ फ्लड फ्लड शुड बी सफिशियंट सो दैट स्ट्रीम में इरोड इट्स बेड एंड बैंक. यानी कि जो बाढ़ के समय जो फ्लूट होनी चाहिए, बाढ़ जो होनी चाहिए पानी का स्ट्रीम, वो सफिशियंट होनी चाहिए ताकि जो है कि इरोजन ठीक प्रकार से बैंक और बेड का कर सके और इस प्रकार जो है कि इसका डेवलपमेंट हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरियस बेड फॉर्म आकर्स इन एलुवियल चैनल. ओके, जो एलुवियल चैनल होता है उसमें जो बेड फॉर्म है, ओके लेवल बेड लेवल है, किस फॉर्म में होता है, प्लेन होता है या ट्राइंगल फॉर्म में होता है, कुछ इस प्रकार से पैराबोलिक, तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफर फॉर्म में होता है, डूंस फॉर्म में होता है, तो कौन कौन से फॉर्म होते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं, किस फॉर्म में कब क्रिएट होता है, तो इसके बारे में हमें एनालिसिस कर लेते हैं. अ प्लेन चैनल बेड डेवलप इरेगुलर या इरेगुलर, ओके शेप ऑफ अनइवननेस विच आर कॉल्ड बेड फॉर्म. तो फर्स्ट है आपका प्लेन बेड. अगर प्लेन बेड है विद नो मोशन ऑफ सेडिमेंटेशन पार्टिकल्स, यानी कि जो सेडिमेंट पार्टिकल्स है, अगर जो पार्टिकल सेडिमेंट कर रहे हैं उनका मोशन, वो मोशन नहीं है, ओके मोशन में नहीं है, तो ऐसे में जो है कि प्लेन बेड होता है. तो कैसे होता है, चलिए हम एनालिसिस करते हैं. व्हेन सेडिमेंट एंड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक आर सच दैट द एवरेज शियर स्ट्रेस ऑन द बेड इज लेस देन क्रिटिकल शियर स्ट्रेस. कब होता है प्लेन बेड, जब एवरेज शियर स्ट्रेस जो होता है बेड पर वो लेस देन हो जाता है क्रिटिकल शियर स्ट्रेस से, द सेडिमेंट पार्टिकल्स ऑन द बेड डज नॉट मूव. तो ऐसे केस में जो सेडिमेंट पार्टिकल्स होते हैं वो बेड पर जो है कि मूव नहीं करते हैं, ओके जब मूव नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है सीधे सेटलमेंट होंगे और जो है कि बेड पर सेटलमेंट फॉर्म में रुक जाएंगे, तो प्लेन जो है कि बेड बनाएगा. ओके, तो द वाटर सरफेस रिमेन फ्रेली स्मूथ इफ द फ्राउड नंबर इज लो. फ्राउड नंबर जब लो होता है तो ऐसे में जो वाटर सरफेस रहता है होता है फ्रेली स्मूथ होता है. ओके, नेक्स्ट है रिपल्स ड्यून्स. रिपल्स ड्यून्स कैसा होता है, तो रिपल्स ड्यून ट्राइंगुलर फॉर्म में होता है. ओके, या फिर हमने प्लेन बताया तो कुछ इस प्रकार से हल्का ट्राइंगुलर फॉर्म में, तो इसे बोलते हैं रिपल्स. ओके, कुछ इस प्रकार से भी बेड लेवल हो सकता है. तो द सेडिमेंट पार्टिकल्स ऑन द बेड स्टार्ट मूविंग व्हेन द एवरेज शियर स्ट्रेस ऑफ फ्लो एक्सीडेड द क्रिटिकल स्ट्रेस. यानी कि जो एवरेज शियर स्ट्रेस है वो क्या है, एक्सीडेड हो जाए क्रिटिकल शियर स्ट्रेस से. ओके, दिस रिजल्ट इन स्मॉलर, इसका जो रिजल्ट होता है वो स्मॉलर ट्राइंगुलर, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, अंडुलेशन एज द चैनल बेड इज नोन एज रिपल्स. तो जो रिजल्ट इसका होता है छोटे छोटे ऐसे ट्राइंगुलर फॉर्म में होता है, तो इसका रिजल्ट जो होता है स्मॉलर ट्राइंगुलर फॉर्म में हो जाता है और अनइवननेस अंडुलेशन फॉर्म में एज चैनल बेड पर. ओके, और इसे हम बोलते हैं रिपल्स. ओके, रिपल्स डू नॉट आकर्स फॉर सेडिमेंट पार्टिकल्स कोर्सर, यानी कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं देन 0.6 mm, यानी कि 0.6 mm से जो बड़े पार्टिकल होते हैं उनके उस उन पार्टिकल के लिए रिपल्स नहीं होता है. ओके, विद इंक्रीज द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज को अगर इंक्रीज कर दिया जाए. अब तक तो आपने यहाँ तक पढ़ा कि रिपल्स बना, लेकिन अगर डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है कॉन्सिक्वेंटली द एवरेज बेड शियर स्ट्रेस जो होगा, द रिपल ग्रो इन साइज, जो रिपल होगा वो साइज में ग्रो कर जाएगा. इसमें क्या था, रिपल स्मॉल साइज था ट्राइंगुलर फॉर्म. ओके, स्मॉल साइज था, इसमें क्या है साइज को ग्रो कर रहा है, विच आर देन टर्म एज डूंस. तो इसको हम कहते हैं डूंस, आप इसे याद रखेंगे. डूंस आर आल्सो ट्राइंगुलर इन शेप बट लार्जर देन रिपल्स. जैसा कि हमने अभी बताया कि जो डूंस होता है वो भी ट्राइंगुलर फॉर्म में होता है, लेकिन साइज जो उसका होता है रिपल से बड़ा होता है. ओके,
अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है? विद फर्दर इंक्रीज, अभी हम सारे जितने भी हमने पढ़ा रहा है, प्लेन बेड, डूनस और रिपल्स, ये सारे फिगर हम देखेंगे। ओके, विद फर्दर इंक्रीज इन डिस्चार्ज ओवर द डूनस बेड, द रिपल्स एंड डूनस आर वाश्ड अवे एंड ओनली सम वेरी स्मॉल अंडुलेशंस आर लेफ्ट। ओके, जब क्या कह रहा है, विद फर्दर इंक्रीज इन डिस्चार्ज ओवर द डूनस बेड, जो डूनस बेड अब तक बना तो उसके ऊपर भी अगर डिस्चार्ज जो है कि इंक्रीज हो जाता है तो ऐसे में क्या होगा, रिपल्स एंड डूनस आर वाश्ड अवे, वाश्ड अवे हो जाएगा। ओके, वाटर से डिस्चार्ज बढ़ने के कारण वाश्ड हो जाएगा। एंड ओनली सम वेरी स्मॉल अंडुलेशन, और छोटे बहुत कम जो है कि मात्रा में अंडुलेटिंग फार्म में, छोटे मात्रा में बहुत वेरी स्मॉल अंडुलेशन फार्म जो है कि लेफ्ट हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशन। ओके, कुछ इस प्रकार से जैसे बड़ा बड़ा ट्राइंगुलर फार्म था तो जब ये वाश हो जाएगा तो बेड पर खींचना, हल्का फुल्का ऐसे 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 हल्का फुल्का अंडुलेटिंग फार्म में बनेगा, तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशन। इन सम केस द बेड में बिकम नियरली फ्लैट बट द सेडिमेंट पार्टिकल रिमेन इन मोशन। इसमें क्या, तो आप कहेंगे कि जो प्लेन वाला था उसमें तो भी प्लेन थे, भी लगभग प्लेन ही हो रहा है, तो ये भी केस है कि कुछ कुछ केस क्या होता है, बेड में भी बिकम फ्लैट, फ्लैट तो हो जाती हैं बट उसमें होता क्या, उसमें क्या था, प्लेन में फ्लैट था। ओके, उसमें भी प्लेन था तो फ्लैट बिल्कुल होता था, तो इसमें भी फ्लैट हो जा रहा है कोई कभी कभी केस में, तो लेकिन इसमें एक शर्त है क्या, उसमें मोशन नहीं करता था सेडिमेंट पार्टिकल था प्लेन में, जबकि इसमें जो सेडिमेंट पार्टिकल होगा, सेडिमेंट पार्टिकल वो मोशन स्टेट में होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फ्लैट बट द सेडिमेंट पार्टिकल रिमेन इन मोशन, मोशन में रहता है। ओके, अब आप पढ़ देंगे एंटी डूनस, जो डूनस था उसका अपोजिट एंटी डूनस हो जाएगा। ओके, यानी कि दीज आर कॉल्ड एंटी डूनस बिकॉज द मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डूनस इज बैकवर्ड कंपेयर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जो फ्लो की डायरेक्शन है उसके कंपेयर्ड में इसकी जो डूनस की डायरेक्शन होती है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इस कारण से इसे बोलते हैं एंटी डूनस। अब इसके फिगर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने बात किया था प्लेन के बारे में, प्लेन बेड के बारे में, तो प्लेन बेड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ए है आपका प्लेन बेड। ओके, वाटर सरफेस है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वाटर सरफेस है। ओके, वाटर सरफेस और जो बेड लेवल है, ओके, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सैंड जो भी है, बेड प्लेन, तो प्लेन क्या है, प्लेन बेड क्या है, प्लेन है, बिल्कुल एकदम प्लेन है, तो इस फॉर्म में होता है। नेक्स्ट था हमने आपको बताया रिपल। ओके, रिपल क्या होता है, रिपल कुछ छोटे छोटे स्मॉल साइजेज में, ओके, स्मॉल साइजेज में ट्राइंगुलर जब फॉर्म होता है तो रिपल्स बोलते हैं, और जो लार्ज साइज होता है और ट्राइंगुलर फॉर्म होता है लार्ज साइज, तो इसे डूनस बोलते हैं। ओके, तो यही था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टाइप के लिए रिपल पैटर्न। ओके, छोटा छोटा ट्राइंगुलर फॉर्म है, आप यहाँ पर बेड लेवल देख पा रहे होंगे, और उसके बाद से जब लार्ज साइज हो जाता है तो उसे बोलते हैं डूनस। ओके, तो आप लार्ज साइज में आप ही देख पा सकते हैं, यहाँ पर डूनस एंड सुपर पोस्ट है डूनस, लेकिन डूनस का एकमात्र यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, केवल डूनस का, डूनस के लिए आप कुछ पा रहे ट्राइंगुलर फॉर्म है लेकिन बड़ा है। ओके, ये वाला फिगर आप देखिए ट्राइंगुलर फॉर्म, और रिपल्स में आप देखिए, ओके, छोटा है, ट्राइंगुलर फॉर्म क्या है, छोटा है, लेकिन डूनस में क्या है, जो ट्राइंगुलर फॉर्म है बड़ा है, आप कुछ इस प्रकार से देख पा रहे हैं। ओके, इस प्रकार से बड़े बड़े फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो ये डूनस होता है। एंटी डूनस क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, एंटी डूनस ब्रेकिंग वेव, एंटी डूनस क्या है, ऐसे हैं कुछ इस प्रकार से, तो आप इसके आप देख पा रहे हैं इसका जो डायरेक्शन है इधर हो जा रहा है ऐसे कुछ। ओके, अपोजिट डायरेक्शन एंटी डूनस हो गया, या ट्रांजिशन यहाँ पर देख पा रहे हैं वाश्ड आउट डूनस, जब डूनस होता है हमने बताया जो वाश्ड आउट होता है, तो वाश्ड आउट होने के बाद ट्रांजिशन बनता है, ट्रांजिशन को आप देख लीजिए यहाँ पर, जो भी डूनस या रिपल्स था उसका जब वाश्ड होता है, वाश्ड आउट होने के बाद क्या बनता है, ट्रांजिशन बनता है, तो ट्रांजिशन वाला फिगर आप देख सकते हैं, तो ये हैं कुछ फिगर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन द शॉर्ट स्टेबिलिटी एंड इन स्टेबिलिटी ऑफ रिवर, जो रिवर है उसकी स्टेबिलिटी और इन स्टेबिलिटी को बारे में एक्सप्लेन करना है। आप सेकेंड क्वेश्चन भी आप देख पा सकते हैं, वेरियस पैरामीटर आर रिस्पांसिबल फॉर द
इनस्टेबिलिटी रिवर, जो इनस्टेबिलिटी रिवर है उसके लिए वेरियस जो है कि आपको उसके पैरामीटर्स के बारे में लिखना है। और आप देख पा रहे हैं कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी है, तो ये हो सकता है इस बार भी रिवाइज कर दें। ओके, तो सबसे पहले हम स्टेबिलिटी ऑफ रिवर जानेंगे। जो स्टेबिलिटी ऑफ एनी पार्टिकल्स रिवर वाटर कोर्स इन अफेक्टेड बाय फैक्टर, किसी न किसी फैक्टर से जो है कि अफेक्टेड होता है। ओके, वाटर कोर्स इज अफेक्टेड बाय फैक्टर सच एज वेल वेजिटेटेड मार्जिन इंक्लूडेड सम ट्रीज। ओके, द एलॉन्ग द बैंक द रूट्स आर विच मे हेल्प बाइंड द बैंक एट बोथ द कैचमेंट एंड द इंडिविजुअल हिच स्केल। इसी प्रकार जो है कि आपका इनस्टेबिलिटी में क्या होता है, द इनस्टेबिलिटी ऑफ रिवर अराइज ड्यू टू मेनली स्टीपली स्लोपिंग बैंक ऑफ कोर्स इरोडिबल सॉइल, यानी कि इसका जो रिवर का एराइज होने का कारण क्या होता है, मेनली इनस्टेबिलिटी। कोई भी रिवर इनस्टेबिलिटी में किस प्रकार से होगा, इनस्टेबल कैसे होगा, इसका मेन कारण होता है, जो मेन कारण होता है स्टीप होता है, जो स्लोप होता है काफ़ी स्टीप होता है बैंक का। ओके, और ऐसे में क्या होता है, स्टीप होने के कारण इरोजन जो है सॉइल का काफ़ी अधिक हो जाता है, इस प्रकार जो है कि इनस्टेबल हो जाता है रिवर का। सच एज सैंडी मटेरियल, जो हो सकता है बैंक आपका सैंडी मटेरियल का बना हो बैंक, तो जब अगर सैंडी मटेरियल का बना होगा तो इरोजन जो है काफ़ी अधिक होगा बैंक का, और इस प्रकार लॉस ऑफ बैंक साइड ड्यू टू इंक्रीजिंग इरोजन। ओके, पैरामीटर्स क्या हैं, तो पैरामीटर्स फॉलोइंग आर द वेरियस पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनस्टेबिलिटी ऑफ रिवर, रिवर के इनस्टेबिलिटी के लिए उसके रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर्स क्या हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है इन इक्विडेट स्ट्रीम बैंक प्रोटेक्शन, इन इक्वेट स्ट्रीम बैंक ऑफ प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अनस्टेबल स्ट्रीम बैंक। ओके, अनस्टेबल स्ट्रीम बैंक, जो स्ट्रीम बैंक है अनस्टेबल, तो ऐसे में इरोजन ऑफ चैनल बैंक फर्दर एड्स कोर सेडिमेंट इन टू द चैनल एंड रिजल्ट इज एक्सेलरेट लैंड लॉस। ओके, सेकेंड क्या है, डैमेज टू रिपेयरी इन वेजिटेशन। ओके, नेटिव वेजिटेशन हैज बीन अल्टर्ड लीडिंग द एक्सेलरेट स्ट्रीम बैंक इरोजन। पॉसिबल काज इंक्लूड ओवर ग्रेजिंग एंड लैंड डेवलपमेंट, एक्सिव लॉन्गिट्यूडनल चैनल स्लोप। ओके, स्टीप स्ट्रीम स्लोप, जो स्लोप है स्ट्रीम की वो काफ़ी स्टीफ है, तो ऐसे में क्या होगा, लो साइनसिटी काज द चैनल बेड स्लोप टू मैच द जियोलॉजिक स्लोप ऑफ द वैली विच इज टू स्टीफ फॉर ए स्टेबल चैनल इज मोस्ट कंडीशन। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटनिंग द चैनल। ओके, स्ट्रेटनिंग द चैनल में क्या है, इनस्टेबिलिटी काज बाई स्ट्रेटनिंग द चैनल रिजल्ट इन अ स्टीपर बेड स्लोप विच कंट्रीब्यूट टू एक्सेलरेट बैंक इरोजन एंड लेटर एक्सटेंशन ऑफ चैनल एज अ रिजल्ट इंक्रेज्ड सेडिमेंट डिपोजिशन आकर्स डाउन स्ट्रीम। तो इस प्रकार से जो हम काफ़ी जो है कि रिवाइज कर रहे हैं सीरीज को। नेक्स्ट अगर टॉपिक आप लिखना चाहें तो फ्लोट प्रोटेक्शन लेव भी लिख सकते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टेड लेवीज इंस्टॉल विद इन द फ्लूड प्लान्स टू प्रोटेक्ट रिवर साइड प्रॉपर्टी फ्रॉम इनहेरेंट फ्लूड हैजार्ड कैन कंसंट्रेट एक्सेसिव एनर्जी ऑफ द रिवर अगेंस्ट द स्ट्रीम बैंक एंड चैनल बेड अक्रॉस एंड डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द कन्फाइनिंग स्ट्रक्चर। ओके, दिस आल्सो लीड टू एक्सेलरेटेड स्ट्रीम बैंक इरोजन एंड रिडक्शन इन चैनल डाइवर्सिटी। आप नेक्स्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हाई विद डेप्थ रेशियो, जो डेप्थ विद डेप्थ रेशियो है वो काफ़ी उच्च हो हाई हो, तो एक्सेसिव चैनल विद रिजल्टिंग फ्रॉम लेटरल चैनल मर्जिशन माइग्रेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट क्रिएट्स एन ओवरली लार्ज बैंक फुल क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस वाइडनिंग प्रीक्लूड्स द रीजनरेशन ऑफ रिपेयरिंग
vegetation at least to further stability. High bed load, sediment supply. The supply of coarse sediment from both the upstream watershed and from erosion of the stream bank and stream bed contribute to excessive deposition downstream. Stabilizing the channel will improve channel stability downstream. तो ये हो गया आपके जो है कि इन स्टेबिलिटी के जो है कि पैरामीटर्स. ओके, इन नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं. मेंडरिंग रिवर फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ ए डेल्टा. डेल्टा का किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, ग्रोथ कैसे करता है, इसके बारे में कई बार जो है कि क्वेश्चन को ये पूछा है. तो चलिए इसके बारे में एनालिसिस कर लेते हैं. सबसे पहले कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ कट ऑफ, जैसा कि हम प्रीवियस डिस्कस किए ही हैं किस प्रकार से कट ऑफ डेवलपमेंट करता है. उसके बाद से नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका फॉर्मेशन ऑफ रिवर डेल्टा. जो रिवर होता है उसकी जो डेल्टा होता है किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ रिवर डेल्टा के बारे में. द फॉर्मेशन ऑफ रिवर डेल्टा इज अ स्लो प्रोसेस, या एक प्रकार का स्लो प्रोसेस आप कह सकते हो. एज रिवर फ्लो टूवर्ड्स देयर आउटलेट्स फ्रॉम हायर एलिवेशन द डिपोजिट मड सिल्ट सैंड एंड ग्रेवल पार्टिकल्स एट द माउथ वेयर रिवर आर लार्जर माउथ सेडिमेंटरी बॉडीज ऑफ द ऑफ वाटर मीट्स. यानी कि ये कह रहा है जब भी कोई रिवर जो है कि जहाँ से वो निकलती है, ओके, जैसे हिमालयन रिवर का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं या किसी भी रिवर का एग्जाम्पल लेंगे, तो जहाँ से उसको उसका उद्गम होता है जहाँ के, तो सबसे पहले अभी हमने रिवर प्रोफाइल्स के बारे में भी पढ़ा. तो टॉप जो उद्गम होता है उसका एलिवेशन हाई होता है, फिर मिडल हो जाता है प्लेन में, फिर जो वहाँ पर वह मिलती है जैसे कि सी में जाकर मिलती है या किसी लेक में, तो ये क्या होता है यहाँ पर जो एलिवेशन होता है लो होता है. ओके, और जाहिर सी बात है कोई भी रिवर नेचुरल होता है तो नेचुरल फ्लो करता है, उसमें नेचुरल ग्रेडियंट होता है उसमें, एक तरह से आप कह सकते हैं. तो नेचुरल ग्रेडियंट जो टॉप से ही बॉटम की तरफ ही वाटर फ्लो करेगा ना, तो जाहिर सी बात है जहाँ से उद्गम होगा उसका एलिवेशन हाई होगा, और जहाँ पर वो मिलता है जिस सी लेवल में सी में जाकर वो मिलता है, सारी नदियाँ लगभग सी में ही मिलती हैं. ओके, एट लास्ट कुछ नदियाँ मान लीजिए जिसमें मिलती हैं उसका जो है स्लोप, जहाँ पर मिलती हैं उसका स्लोप जो है काफ़ी एलिवेशन जो है कि डाउन होता है. ओके, तो यही यहाँ पर कह रहा है. तो डाउन होता है तो ऐसे में क्या होता है, जो प्लेन एरिया में होती हैं रिवर्स, प्लेन एरिया में, ओके, तो यहाँ पर इरोजन करती हैं अपनी जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी सॉयल्स होता है, जो भी सिल्ट होता है, ओके, मड होता है, सैंड होता है, ग्रेवल्स होता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सबका इरोजन करते हैं अपने साथ बहा कर जो है कि धीरे धीरे लेकर आती हैं. और जैसे जैसे माउथ साइड में आती हैं तो इनका जो है वाइड जो रिवर की विड्थ होती है वो बढ़ जाती है, और रिवर की विड्थ जो है कि बढ़ जाती है तो जो वेलोसिटी हो जाता है इसका कम हो जाता है. और वेलोसिटी के कम होने का कारण एक और भी है, क्योंकि जो स्लोप होता है, ओके, स्लोप जो होता है आपका स्लोप भी डिक्रीज होता है माउथ साइड में जहाँ पर रिवर मिलता है, स्लोप भी क्या होता है डिक्रीज होता है. तो जब स्लोप डिक्रीज हो जाएगा तो ऐसे में वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. ग्रेडियंट जब डिक्रीज हो जाएगा तो वेलोसिटी भी इसका कम हो जाएगा. जब वेलोसिटी कम हो जाएगा तो धीरे धीरे जो पार्टिकल्स वो अपने साथ बहा कर लाती है उसका सेडिमेंटेशन होने लगता है, ओके, और धीरे धीरे उस माउथ पे जो सी लेवल होता है उस माउथ पे जो है कि मड जो है कि सेडिमेंट करके वहाँ पर छोड़ देता है, ठीक प्रकार से बहा नहीं पाता है. तो आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा नदी बनाती है कुछ इस प्रकार से, तो कई सारे ब्रांचेस होती हैं ब्रेडेड फार्म में, जिसे हम ब्रेडेड फार्म बोलते हैं, तो इसमें यही डेल्टा बनाता है ट्राइंगल फार्म में, तो इसी को बोलते हैं डेल्टा. ओके, तो इसी प्रकार जो है कि डेल्टा का फॉर्मेशन होता है. ओके, तो यही इसमें कहा है. नेक्स्ट है आपका, ओवर टाइम दीज पार्टिकल्स कॉल्ड सेडिमेंट आर एलुवियल बिल्ट अप एट द माउथ एक्सटेंडिंग इनटू ओशियन आर लेक. एज दीज एरियाज कंटिन्यू टू ग्रोथ द वाटर बिकम शैलोअर एंड इवेंचुअली लैंड फॉर्म बिगिन टू राइज एबव द सरफेस ऑफ द वाटर टाइपिकली एलिवेटिंग टू जस्ट एबव सी लेवल. तो फ्रेंड्स, हमने आपको किस प्रकार से रिवर का डेल्टा बनता है, फॉर्मेशन कैसे डेल्टा का होता है हमने तो समझा दिया. अब इसके पॉइंट जो आप नोट डाउन करेंगे उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं, तो किक रिवाइज एक बार जरूर कर लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, अ रिवर ड्रॉप इन ऑफ सेडिमेंट टू क्रिएट दीज
landform or area of raised elevation, the remaining flowing water with the most power sediment sometimes cut across the land, forming different branches called distributary. ओके, जो लैंड शो होता है, ओके, धीरे धीरे, तो कुछ समटाइम्स क्या होते हैं, अधिक पावर होने के लिए स्ट्रीम का जो वेलोसिटी अधिक हो जाता है, ओके, तो ऐसे में क्या होता है, कट कर लेते हैं कुछ लैंडस्केप पार्ट को, अक्रॉस कट द लैंड एंड फार्मेशन, यानी कि फार्म करते हैं, बनाते हैं डिफरेंट ब्रांचेज, कई सारे ब्रांचेस ऐसे बना लेते हैं, ओके, तो ब्रांचेस बना लेते हैं, तो इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से भी जानते हैं, ओके. वंस फार्म डेल्टा आर टाइपिकली मेड अप थ्री पार्ट्स. एक बार जो कि डेल्टा जो फार्म करता है, थ्री पार्ट्स इसके होते हैं, ओके, थ्री पार्ट्स में मेड अप करता है, ओके, जो डेल्टा का बनता है, थ्री जो कि प्रकार से बनता है. फर्स्ट अपर डेल्टा प्लेन में, जो कि अपर, सेकेंड लोअर डेल्टा प्लेन, और थर्ड जो है आपका सब एक्वियस डेल्टा, ओके. तो अपर डेल्टा क्या होता है, प्लेन मेक अप द एरिया नियरेस्ट टू लैंड, ओके, जो लैंड होता है उसके पास में बनाता है. इट इज यूजुअली द एरिया विद द लीस्ट वाटर एंड हाईएस्ट एलिवेशन. ये जो होता है, इसका वाटर की के साथ कम होता है, लेकिन इसका एलिवेशन एज कंपेयर टू अदर जो डेल्टा है उनके तुलना में इसका एलिवेशन हाई होता है. द लोअर डेल्टा प्लेन इज द मिडल, ए मिडल ऑफ डेल्टा है. इट इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन ड्राई अपर डेल्टा एंड वेट सबस्क्यूस डेल्टा, यानी कि जो अपर डेल्टा है और सब एक्वेस डेल्टा है, ओके, इनके बीच का एक प्रकार से आप कह सकते हो ट्रांजिशन जोन होता है लोअर डेल्टा, ओके. द सब क्यूएस डेल्टा इज द पोर्शन ऑफ द डेल्टा क्लोजेस्ट टू द सी, यानी कि जो सी लेवल होता है या बॉडी ऑफ वाटर इनटू विच अ रिवर फ्लो, यानी कि जो भी रिवर किस में फ्लो करता है, सी में मोस्टली फ्लो करते हैं, ओके, जाके जो कि सी में मिल जाते हैं, तो सी लेवल के जो नियरेस्ट होता है, सी के आसपास जो वाला जो डेल्टा होता है, उसे हम बोलते हैं सब क्यूएस डेल्टा, ओके. दीज आर यूजुअली पास्ट द सोलिन एंड इट इज बिलो वाटर लेवल, ओके, जो वाटर लेवल से जो है कि बेसिकली ये बिलो होता है. कंट्रोल ऑन डेल्टा फार्मेशन, जो भी डेल्टा फार्मेशन बन रहा है उसको किस प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो द साइज एंड शेप ऑफ ए डेल्टा इज कंट्रोल्ड बाई बैलेंस बिटवीन वाटर सेट प्रोसेस. कौन से प्रोसेस से, वाटर सेट प्रोसेस और दैट सप्लाई सेडिमेंट एंड रिसीविंग बेसिन प्रोसेस दैट रीडिस्ट्रीब्यूट सेक्वेस्टर एंड एक्सपोर्ट दैट सेडिमेंट, ओके. तो इस प्रकार जो है कि कंट्रोल ऑन द डेल्टा फॉर्मेशन किया जा सकता है. तो फ्रेंड्स, ये रहे जो है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि यूनिट टू के, ओके, यूनिट टू के हम लोगों ने टू पार्ट में डिस्कस किया है. तो यूनिट वन और यूनिट टू जो है कि आपका कंप्लीट हो गया, जो कि क्वांटम सीरीज का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.